एपीटीवी भारत आवाज देश की। उत्तर प्रदेश में आम चुनाव को लेकर सपा बसपा के बड़े नेताओं की आपस में सहमति के बाद लखनऊ के ताज होटल में मीडिया प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती ने दोनों पार्टियों के 38-38 सीटों पर आपसी सहमति के बीच चुनाव लड़ने पर सहमति हुई। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया कि वो एक दूसरे को सहयोग करें और अधिक से अधिक सीटें प्रदेश में जीतें। प्रेस वार्ता में जैसे ही घोषणा हुई, उसके तुरंत बाद देवरिया जनपद में फोन आया। वैसे ही सपा बसपा दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता देवरिया जनपद के सुभाष चौक पर पहुंचे और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई गईं और पटाखे भी फोड़कर जय भीम, जय समाजवाद, बुआ भतीजा जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस पर व्यास यादव ने कहा कि ये गठबंधन 25 सालों के बाद हुआ है, जिसे लेकर हम बहुत खुश हैं। दोनों पार्टियां अब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। वहीं बसपा जिला अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि इस गठबंधन को लेकर हम बहुत उत्साहित हैं। जैसा हमारे बड़े नेताओं का आदेश होगा, आगे हम वैसा ही करेंगे और अधिक से अधिक सीट लाना हमारा उद्देश्य होगा। तो है कि आज 25 साल के बाद फिर एकता हुआ है, उसी जश्न में हम लोग मना रहे हैं और ये दोनों का मिलन, ये बहुजन एकता का मिलन है, दिलों का मिलन है। बीजेपी को हराने के लिए 25 साल की पुरानी जो भी दुश्मनी थी उसको भुला के एसपी के साथ गठबंधन करने का काम किया है। बहुत सराहनीय फैसला बहन जी ने लिया और ऐतिहासिक फैसला है। इसके लिए माननीय बहन जी को, अखिलेश जी को और बहुत बसपा और सपा सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दिया जाता है। एपीटीवी भारत के लिए देवरिया से राहुल उपाध्याय की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।